हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। वट सावित्री व्रत, जिसे महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है, तो आज हम वट सावित्री की कथा सुनने वाले हैं। चलो तो फिर आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। भद्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्रदेश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सालव देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेजी से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत तो हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार
सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इसलिए उस दिन से सभी सुहागन महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष का पूजन करती है। आपको बता दें, इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष को भोग अर्पित करके उन्हें धागे से लपेटकर पूजा करती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।